हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि पैनल को कैसे फिक्स करें, कैसे पैनल को सेटिंग करें, असेंबल करें कैसे पैनल को। तो चलिए सबसे पहले पैनल के बैक बॉक्स का होल से होल मैच करके उसमें मार्किंग करेंगे वॉल पे, फिर ड्रिल करेंगे और बढ़िया से पंच कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया गया है। अब इस बैक बॉक्स को कार्टून से निकालेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे इसका, निकाल करके इसको अब वॉल पे फिक्स करेंगे। जहाँ पे ड्रिल किया गया है उस जगह पे हम इसको फिक्स कर देंगे। ये बैक बॉक्स है दोस्तों, इसको बैक बॉक्स बोलते हैं। और ये अब इस तरह से निकाल करके इसको फिक्स कर देंगे। ये कुछ इस तरह से फिक्स हो गया, अब फिक्स कर दिए हैं। ये पूरा जो टाई रोड है उस पर फिक्स कर दिए हैं, उस पर नट से टाइट कर देंगे उसको। CH M3 है ये, चेसिस इसको बोलते हैं। ये अब फिक्स होगा, ये वाला स्क्रू पे फिक्स होता है ये। कुछ इस तरह से इस पर होल्ड कर देंगे इस स्क्रू पे, और इसके साथ जो स्क्रू आता है उससे हम इसको फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे बढ़िया से। यहाँ पे CPU आ जाएगा इस स्लॉट पे, और इस स्लॉट पे आता है NCMW कार्ड्स वगैरह। ये CPU है, CPU 3030D, ये इसका मॉडल नंबर है, 3030D CPU। यही यहाँ पे हम फिक्स करना है इस वाले एरिया पे। तो इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये बहुत सेफ्टी से आता है क्योंकि इसमें डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले कहीं डैमेज होने का खतरा होता है, तो इसलिए बहुत सेफ्टी से किया जाता है इसको। देखिए दोस्तों कैसे सेफ्टी है इसका। इसका मैनुअल है, बुक मैनुअल। ये देखिए इसका, ये फोम के अंदर एयर भरा हुआ है, ऐसे पैकिंग में आता है ये। ये रिबन केबल वायर वगैरह सब है। और ये इसका डिस्प्ले है, यही CPU है। इसको खोल के दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये इसका सील पैक है, सील पैक एक बार खुल गया तो मतलब ये सामान रिटर्नेबल और नहीं है। स्क्रू है ये, स्क्रू इसका जिसमें ये फिक्स होगा। ये पूरा स्क्रू, इसका टर्मिनेशन, इसका टर्म सब कुछ इसमें आता है। ये सारे टर्मिनेशंस हैं, स्क्रू भी हैं। इस तरह से इसका इसमें फिक्स होता है। इसको हम यहीं फिक्स करते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे ना स्पेस नहीं मिलता है हमको हाथ फंसाने का, तो इसलिए इसको यहीं फिक्स कर रहे हैं अभी। ये इसका हेक्स स्क्रू है, हेक्सागोनल स्क्रू। इस तरह से ये लॉन्ग स्क्रू है ताकि ये इसका लेवल मिलाना चाहे लाना है इसमें। इसमें ये यहां पे बैठ जाएगा। उसमें स्क्रू फिक्स करेंगे, जो बड़ा वाला स्क्रू में ये अंदर से बाहर से फिक्स कर देंगे इसको।
ये इस नट पे इस तरह से फिक्स हो गया ये। दोस्तों ये AMPS है, AMPS 24E, यहीं से ये जो मेन पावर सप्लाई आता है यहीं से आता है, इसी में आता है पहले, और इसी से हमारा सारा पैनल पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट होता है। चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं आप। इसके साथ भी बुक मैनुअल आएगा, ये रिबिन, ये केबल वगैरह आएंगे इसमें, ये पूरा इसमें सारा केबल्स होंगे, बैटरी का केबल, उसके बाद पैनल का केबल, सप्लाई का केबल, सब होता है इसमें। और ये इस तरह से पूरा सेफ्टी के साथ आता है। इस पे फिक्स होगा, ये इस पे ऊपर से स्लाइड करके लाएंगे और यहाँ पे इसके इसमें खांचे में जाके बैठ जाएगा। ये दोनों जो है ना, ये दोनों उसमें जा करके फंस जाएगा इसमें, कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा वही करो, खोलो इसको, इसको थोड़ा इधर सामने दबा हुआ है, थोड़ा इसको फैलाएंगे ताकि उसका अंदर नहीं फंस रहा है वो। बैठ गया नीचे, इसको ओपन करने जा रहे हैं। इसका कोड है CHS4L, इसी में जो लूप कार्ड्स वगैरह है इसी में फिक्स होता है, इसी में टाइट होता है। तो ये स्टैंड है इसका, लूप कार्ड का पीछे का स्टैंड होता है। ये उसका स्क्रू है, उसी में अंदर फंसा देते हैं, उसी में अंदर फिक्स करके। अब ये स्क्रू से इसका स्क्रू आता है, इसी स्क्रू से हम इसको टाइट कर देंगे। अब स्क्रू देखिए कुछ इस तरह से होगा दोस्तों, ये ऐसा स्क्रू है, स्पेशल स्क्रू आता है इसका। वाशर उसमें ऑलरेडी फिक्स होता है इस तरह से। ये दो आइटम लग गया है, ये LEM है दोस्तों, LEM 320, इसका मॉडल नंबर 320 है LEM। हम इसको बॉक्सिंग कर रहे हैं, अनबॉक्सिंग। ये भी बहुत सेफ्टी से आता है, ये बबल्स वाला जो पोलिथीन है उसमें सेट होके आता है ये, क्योंकि ये कार्ड होता है ना, इसमें PCB भी होता है, ये बहुत डैमेज होने का खतरा होता है। वो ये इसके साथ ये पिन वगैरह आया है,
एलईएम एलसीएम दो कार्ड को जोड़ने का ये पिन आया है। इसका ये टर्मिनेशन है, टर्मिनल, ये स्क्रू वगैरह हैं, और ये है एलईएम 320। चलो जिनसे निकाल रहे हैं इसको, ये स्क्रू पहले उसमें जो एलईएम का स्टैंड है लूप कार्ड का उस पर फिक्स करेंगे। इस तरह से ये बड़ा नट है, ये जो स्लॉट दिख रहा है आपको इसी में लगाना है इसको। ये पूरा ये लेवल से, ये लेवल और ये लेवल, इसका लेवल दोनों का मिल गया आपको। ये पिन है, इस पिन से ही कनेक्ट होता है पीछे वाला कार्ड एलईएम कार्ड एलसीएम से। एलसीएम वाले कार्ड को ऊपर रखते हैं हम, इसलिए ऊपर रखा जाता है क्योंकि इसमें स्विच वगैरह होता है, रोटरी स्विच इसमें होता है, लाइट्स वगैरह इसमें एलईडी लाइट्स वगैरह होते हैं, ट्रबल्स लाइट होते हैं, इसमें सारा इंडिकेटर होता है, तो इसलिए इसको हम ऊपर रखते हैं। आराम से इसको फिक्स करना है, बहुत ही आराम से, वो पिन खराब ना हो, पिन डैमेज ना हो, तो बहुत ही ध्यान से इसको लगाया जाता है, सावधानी से इसको लगाएंगे, क्योंकि पिन का एक होल दूसरे होल से आपस में मैच करना चाहिए, सारे होल्स आपस में मैच करना चाहिए और तभी ये फिक्स होता है। इसमें टाइम लग सकता है इसको लगाने में, तो इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है, हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है लगाने का। नहीं तो ये पिन टूट जाएगा और हमारा लूप कार्ड, इतना महंगा लूप कार्ड है, अप्रोक्स इसका 22,000 एक लूप कार्ड का दाम है, तो इसको डैमेज नहीं करना है। हाँ, ये अब फिक्स हो गया है, अब इस तरह से ये पिन आपस में फिक्स हो गया है। अब ये इस तरह से दोनों कार्ड्स आपस में फिक्स हो गया है। मैं दूसरे पार्ट में इसका वो ले आऊंगा, जो टर्मिनेशन कैसे होता है, एक कार्ड दूसरे कार्ड से कैसे कनेक्ट होता है, एक वहाँ सीपीयू कैसे कनेक्ट होता है, उसके बाद आगे भी दिखाऊंगा, मैं दूसरा पार्ट में मैं ले आऊँगा उस सब वीडियो को। मैं दो पार्ट में ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप बोर ना हो जाएं। दोस्तों अब ये देखिए सारा मेरा फिक्स हो गया, सीपीयू फिक्स हो गया और ये लूप कार्ड्स एलईएम एलसीएम दोनों ये फिक्स हो गया, और ये AMPS भी फिक्स हो गया। इस तरह से ये पूरा पैनल फिक्स हो गया मेरा। अब मैं इसका वायरिंग, जो इसका अंदर जो रिबन केबल वगैरह जो होता है, वायर होता है एक दूसरे से कनेक्ट होता है एक दूसरे से उसको, तो वो वाला चीज़ मैं वो वाला कनेक्शन वगैरह करके मैं दिखाता हूँ आपको। फिर यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।